हेलो स्टूडेंट्स, आई एम योर अकाउंटेंसी सब्जेक्ट टीचर। माय नेम इज़ उज्ज्वल चित्रांश। सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एक्सपेंडिचर एंड इनकम का। हमारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में कितने एक्सपेंडिचर्स होते हैं एंड रिसिप्ट्स जो होते हैं वो कहाँ कहाँ से होते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर हम डेफिनेशन पे चले तो एक्सपेंडिचर या फिर एक्सपेंसेस के बारे में हम लोग अच्छे से जानते हैं, जो हमारे रेगुलर बेसिस पे बिजनेस में खर्चे होते हैं या फिर लॉन्ग टर्म पे। तो जो बिजनेस में एक्सपेंडिचर्स होते हैं वो दो टर्म पे होते हैं, एक फॉर लॉन्ग टर्म होते हैं, एक फॉर शॉर्ट टर्म होते हैं। या फिर हम इनको इस तरह से कह सकते हैं कि एक्सपेंडिचर हमारे कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होते हैं। सो डेफिनेशन पे अगर हम चलते हैं, एनी डिसबर्समेंट ऑफ कैश और ट्रांसफ़र ऑफ प्रॉपर्टी और इनकरिंग अ लायबिलिटी फॉर द पर्पज ऑफ़ एक्वायरिंग एसेट्स, गुड्स और सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंडिचर। मीन्स हम किसी गुड्स को परचेस करने के लिए या ख़रीदने के लिए या फिर जो भी ऐसी चीज़ें हैं अपने गुड्स को बिजनेस में लाने के लिए हम जो भी एक्सपेंसेस करते हैं वो हमारे एक्सपेंडिचर के नेचर में आते हैं। बट जो भी हम गुड्स अपने बिजनेस में या जो भी प्रॉपर्टी अपने बिजनेस के लिए परचेस करते हैं वो दो टर्म से होते हैं, एक कैपिटल एंड एक रेवेन्यू। फर्स्ट ऑफ ऑल, जैसे कि हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर दिया है, एनी एक्सपेंडिचर विच इज़ इनकर्ड इन एक्वायरिंग और इंक्रीजिंग द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज टर्म्ड एज कैपिटल एक्सपेंडिचर, सच एज द अमाउंट स्पेंड ऑन द परचेज ऑफ इरेक्शन ऑफ बिल्डिंग, प्लांट, फर्नीचर एटसेट्रा इज कैपिटल एक्सपेंडिचर। सिंपली वी कैन से दैट कि अगर हम किसी बिल्डिंग के इरेक्शन में, जैसे हमारा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है तो वो बिल्डिंग होगी ही, तो बिल्डिंग को हम मेंटेन भी कराते हैं, उसको मेंटेन कराने में हमारे जो भी एक्सपेंडिचर होंगे, उनके इरेक्शन मीन्स मेंटेनेंस जो होते हैं उनके लिए जो भी होंगे, या हम जो भी फर्नीचर को मेंटेनेंस कराते हैं, मशीन्स होती हैं उन्हें मेंटेनेंस कराते हैं, तो इनके ऊपर जो हम एक्सपेंडिचर करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, क्योंकि ये फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक हमें बेनिफिट देते हैं। जैसे कि आगे भी लाइन यूज़ किया है, सच एक्सपेंडिचर यील्ड्स बेनिफिट ओवर अ लॉन्ग पीरियड एंड हैंस रिटर्न इन एसेट्स। इसी तरह से हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर भी दिए हुए हैं, एनी एक्सपेंडिचर द फुल बेनिफिट ऑफ विच इज़ रिसीविंग ड्यूरिंग वन अकाउंटिंग पीरियड इज टर्म्ड एज रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, सच एज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, सैलरीज, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस एट्सेट्रा। मीन्स जो हमारे बिजनेस को फुल बेनिफिट देते हैं, जैसे कि हम अगर अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं तो वो एम्प्लॉय हमारे ऑर्गेनाइजेशन में काम किए हैं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बेनिफिट दिए हैं, सो उनके ऊपर हम जो एक्सपेंसेस कर रहे हैं, फिर हम गुड्स को सोल्ड करते हैं तो हमें उससे पैसा मिलता है, हम रेंट देते हैं, अगर अपने बिजनेस का हम रेंट पे कर रहे हैं तो उस बिजनेस से हम अर्निंग भी तो कर रहे हैं, तो मीन्स एक साइड में वो हमें बेनिफिट भी दे रहे हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, फॉर अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। जैसे कि अगर हम बात करते हैं तो ये रेंट हुआ, सैलरी हुए, ये सब हमें मंथली पेमेंट करने होते हैं, इसीलिए रेवेन्यू इन नेचर में भी कहे जाते हैं, क्योंकि हम मंथली बेसिस पे पेमेंट करते हैं या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए। अब हम इसको एक सिंपल लैंग्वेज में भी कह सकते हैं, ऐसे एक्सपेंसेस जो हमारे लेस देन वन ईयर में होंगे वो रेवेन्यू इन नेचर आ जाएंगे, जो हमारे वन ईयर से ज़्यादा होंगे वो लॉन्ग पीरियड में आ जाएंगे, फॉर एग्जांपल कैपिटल एक्सपेंडिचर में। अब इसके बाद से जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो इसी तरह से रिसिप्ट्स के लिए भी हैं, जैसे कि एक्सपेंडिचर्स के हमारे टू टाइप्स हैं, सेम एज इट इज़ हमारे रिसिप्ट्स के लिए भी हैं। तो हम नेक्स्ट देखते हैं अपना रिसिप्ट का पॉइंट। सो यहाँ से हमारा रिसिप्ट है, तो यहाँ पे जैसे हमें दिखता है रिसिप्ट में कैपिटल रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू रिसिप्ट्स, ये दो टाइप्स के हमारे रिसिप्ट्स हो गए। इट इज़ आल्सो नेसेसरी टू मेक अ प्रॉपर डिस्टिंक्शन बिटवीन कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट, बिकॉज द रेवेन्यू रिसिप्ट्स आर शोन ऑन द क्रेडिट साइड ऑफ ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट। जैसा कि मैंने अपने अकाउंटिंग साइकिल के वीडियो में बताया था कि हमारे बिजनेस जो है वो प्रॉपर, जब फाइनेंशियल पोजीशन अपने बिजनेस की जानना चाहती है, मीन्स उस बिजनेस को प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस हो रहा है, उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो जो है वो अपने रेवेन्यू रिसिप्ट्स पे वो सारी चीज़ों से कैलकुलेशन करते हैं, जैसे रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बेसिस पे हम अपने फाइनेंशियल पोजीशन को फाइंड आउट करते हैं कि हमें प्रॉफिट है या फिर लॉस है। तो जैसे कि रिसिप्ट की बात किया गया, तो जैसे एक्सपेंडिचर मैंने बताया था वो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए या शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम पैसे खर्च करते हैं, मीन्स एक्सपेंसेस करते हैं, तो यहीं पे हमें इनकम रिसीव होती है। सो फॉर एग्जांपल जैसे कैपिटल रिसिप्ट है, सो अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स और इन्वेस्टमेंट, कैपिटल कंट्रीब्यूटेड बाय प्रोप्राइटर्स, फिर जो हमारे पार्टनर्स हैं, ये सब सारी चीज़ें हो गई। फिर उसके बाद से जो शेयर्स एंड डिवेंचर्स के होते हैं वहाँ से हमें कुछ पैसे मिल गए। फिर अमाउंट रिसीव्ड बाय वे ऑफ लोन्स, अगर हमने किसी को लोन दिया तो वहाँ से फिर हमें कोई पैसा रिसीव होता है, तो ये सब सारे होते हैं हमारे फॉर अ कैपिटल रिसिप्ट होते हैं, क्योंकि
ये सब जो हमें लॉन्ग टर्म बेनिफिट के लिए देते हैं। अगर हमने किसी को लोन दिया है तो फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम के लिए दिया होगा, कहीं सी कंपनी में हमने शेयर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, डिवेंचर्स में इन्वेस्टमेंट किया है, तो वो हमें फॉर अ लॉन्ग टर्म पीरियड के लिए बेनिफिट देगा। तो और कोई हमने फिक्स्ड एसेट्स को सोल्ड किया है तो वहाँ से जो हमें इनकम होगा वो हमारा फिक्स्ड एसेट्स का जो होगा इनकम कहलाएगा, जो कि हमारा कैपिटल रिसिप्ट के नेचर में आता है। अब जैसे कि हमारा नेक्स्ट रिसिप्ट है रेवेन्यू रिसिप्ट, इसमें भी एग्जांपल्स हम देखते हैं। सो मनी ऑब्टेंड फ्रॉम सेल ऑफ गुड्स, कमीशन एंड फीस रिसीव्ड फ्रॉम फॉर अ सर्विस रेंडर्ड, एंड इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड ऑफ ऑन इन्वेस्टमेंट। अब जैसे कि हम बात करते हैं इसमें, तो सेल ऑफ गुड्स, तो हम गुड्स जो है वो रेगुलर बेसिस पे सेल्स करते हैं, कमीशन फीस हमें रेगुलरली मिलते रहते हैं, ठीक है। जैसे मंथली फीस हम देते हैं, स्कूल में फीस अगर हम देते हैं तो स्कूल में जो फीस रिसीव होती है वो मंथली रिसीव होती है या फिर क्वार्टरली रिसीव होती है, इन शॉर्ट कहें तो विद इन ईयर रिसीव होती है। फिर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड, हमने कहीं इन्वेस्टमेंट किया है पैसा, फॉर एग्जांपल बैंक में अगर पैसा डिपॉजिट करते हैं या किसी शेयर डिबेंचर में करते हैं, तो हमें मंथली, क्वार्टरली, सिक्स मंथली के अंदर ही हमें मींस विद इन ईयर हमें इंटरेस्ट रिसीव हो जाते हैं। सो ये हमारे रिसिप्ट में जो रेवेन्यू रिसिप्ट होते हैं वो होते हैं जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होते हैं। तो जिस तरह से हमने एक्सपेंडिचर पढ़ा था कि ये लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम जो है वो कैपिटल, शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए जो होगा वो रेवेन्यू, इसी तरह से अगर हम रिसिप्ट की बात करते हैं तो यहाँ पर हमने कहा तो कैपिटल रिसिप्ट एंड रेवेन्यू रिसिप्ट जो होंगे, तो जब कैपिटल रिसिप्ट की बात करेंगे हम तो वो हमारे लॉन्ग टर्म के लिए होंगे, और जब हम रेवेन्यू रिसिप्ट की बात करेंगे तो ये शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए होंगे, जैसे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हमारा शॉर्ट टर्म के लिए होता है। सो ये स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक था, जिसमें हम लोगों ने एक्सपेंडिचर एंड रिसिप्ट के बारे में चीज़ें देखा है, और इसके बाद से हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो ट्रेड रिसेबल एंड ट्रेड पेबल के कॉन्सेप्ट पे बेसिस होगा, जो हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड करेंगे तो फिर वहाँ पे एक्सप्लेनेशन करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।